हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष अग्रवाल। आज मैं यहाँ पे आया हूँ एनालिसिस करने, जो कि इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ था ना 10 अक्टूबर 2022 को, उसका जस्ट मैं एक एनालिसिस करूँगा। नॉट एज ए क्रिकेटर, एज एनालिस्ट जो कि मैं हूँ नहीं, एज ए फैन में एक्चुअली बहुत दुखी हो गया ये मैच देख के। इसलिए मैं ये एनालिसिस करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ। हेलो, यस। तो एनालिसिस एक्चुअली में ये है, जब ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि इंडिया कम से कम फाइनल तक तो पहुँचेगी, भले ही वर्ल्ड कप ना जीते, फाइनल तक तो पहुँचेगी। लेकिन चलो सेमीज तक तो पहुँची, अच्छी बात है। लेकिन सेमीज में जिस तरह से हारे वो एक्चुअली बहुत ही दुखद दुर्घटना जैसी मुझे लग रही है, कि जैसे कोई दुर्घटना हो गई हो। तो एनालिसिस का एक्चुअली में ये है कि मैं ये देखा कि जब इंडिया का मैच स्टार्ट हो पाकिस्तान के साथ, उसमें तो आपको पता ही कि कोहली ने किस तरह से मैच निकाल लिया, कोहली और हार्दिक पांड्या ने कैसे मैच निकाल लिया। उसके बाद वाले ग्रुप स्टेजेस में दिया, अब देखे जिम्बाब्वे से चलो उन्होंने बहुत ही अच्छे से जीता। बाकी ग्रुप मैचेस देखे, बांग्लादेश हुआ, नेदरलैंड्स हुआ, उसी हिसाब से उसे जीत नहीं मिली जैसे कल्पना की जा रही थी। बांग्लादेश में बारिश नहीं आती, बांग्लादेश के साथ जो मैच से बारिश नहीं आती, शायद हम हार भी चुके होते यदि बारिश नहीं आती तो। लेकिन चलो भगवान की दया बारिश आ गई, डकवर्थ लुईस मेथड भी आ गया, भगवान की हम पर कृपा रही, बोल के हम जो है वो मैच निकाल के लगे, वरना लिटिल मास्टर जैसे खेल लेते उसमें। हमें तो नहीं लग रहा था कि वो मैच जीत भी पाएगी इंडिया, मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था। और साउथ अफ्रीका के साथ से जो हुआ वो तो पता है, सूर्य कुमार यादव यदि 75 या 77 को पर नहीं करते तो हम एक सम्मानजनक टोटल में भी नहीं पहुंचते उस टाइम, तो ये स्थिति थी। तो यदि आप पूरा वर्ल्ड कप वो दौरा देखेंगे तो कोहली, सूर्य कुमार यादव और ये हार्दिक पांडे, ये तीनों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि इस टीम में कोई प्लेइंग 11 था। आप देखो के एल राहुल को, वो बैट्समैन है कि क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो या टेस्ट मैच खेलने आया है या फिर T20 खेलने आया है। उसको पहला ओवर मेडन क्यों देना है, मुझे बोला लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पहला ओवर से मेडन क्यों देना है, हर पहले ओवर मेडन। और रोहित शर्मा उतर रहे हैं, रोहित शर्मा जिसके वनडे में 3-3 डबल सेंचुरीज है, वो ये डरपोक लोग की तरह क्यों खेले, डर क्यों खेल लेते वो, किससे वो डर रहे थे, बॉलर से डर रहे थे या वो नीचे उनको जो बैट्समैन उन पर उनको भरोसा नहीं था। के राहुल का बोझ उठा रहे हो, खुद पे लाद रहे हो, प्लस खुद का बोझ खुद पे लाद रहे हो, कैसे चलेगा। लेकिन नहीं, के राहुल को भी ढोना है, फॉर्म ख़राब है तो क्या हुआ, अगले मैच में ठीक हो जाएगी। जस्ट वेट करते रहो, कब ठीक हुई भगवान जाने। अब फाइनल में, अब शायद अगले वर्ल्ड कप फाइनल तक उनका तो फॉर्म ठीक हो ही जाएगा। और खुद क्यों डर है मुझे समझ में नहीं आता है। अब पावर प्ले यदि देखिए, हर पावर प्ले में कभी 40 जहाँ तक मेरा ख्याल है 40 या 30 से रन ऊपर गए नहीं इंडिया के। और पहला हुआ तो माशाल्लाह मेडन ही गए हैं, मैक्सिमम मेडन या फिर 2-4 रन ऐसे गए हैं, थैंक्स टू राहुल, केएल राहुल, कल्याण जी राहुल जी, इन्होंने तो हमारा भंटादार खेल कर रखा। बस कुछ इज्जत आप बचाई तो कोहली जी ने, अपनी कोहली, हार्दिक पांडे, सूर्य कुमार ने। और बॉलर में ये अश्विन क्या कर रहा है टीम में, इसका जवाब कौन देगा, कोहली देगा या खुद अश्विन देगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर सिलेक्टर देंगे। एक टेस्ट मैच फॉर्मेट वाले प्लेयर को आप T20 में खिला रहे हो, किस हिसाब से खिला रहे हो, किस लिए खिला रहे हो, आपको कहा कि बैट्समैन मिले उसी लिए, बैट्समैन आपको 10 के 10 बैट्समैन चाहिए, बॉलर को चाहिए नहीं क्या आपको, या तो फिर 10 बैट्समैन ही डालो सबसे अच्छा रहेगा, बॉलर जो होगा देखा जाएगा उस टाइम। बुमराह में आप लोग इतने डिपेंडेंट, बुमराह नहीं रहा तो आप लोग बॉलर के धज्जे उड़ गए सेमीफाइनल में, बुमराह को आपको ज़्यादा ही मिस कर दे लगता है। ये अश्विन जी क्या कर रहे हैं टीम में, रोहित जी क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो वही जाने। और ये वही रोहित जी है अपने, जिनके नाम 5-5 IPL ट्रॉफीज है,
आईपीएल में तो माशाल्लाह ये क्या खेलते हैं, मतलब देखते ही बनता है इनका खेल तो। और वर्ल्ड कप में क्यों डरे हुए, क्यों सहमे हुए हैं? अगर आपको इतना ही डरा, अगर आप इतने सहमे सहमे खेल रहे हो तो भैया कैप्टनसी किसी और को दे दो। मेरे हिसाब से इस टीम की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या या फिर कोहली, इन दोनों के अलावा कोई डिजर्व नहीं करता है। कोहली को क्यों हटाया गया कैप्टनसी मुझे समझ में आज तक नहीं आया, क्यों हटाया गया? कोई पॉलिटिक्स था कि क्या था? जब कोहली कैप्टन बनता तब रोहित शर्मा अच्छा निकलते है, लेकिन जब रोहित शर्मा कैप्टन बनता कोहली इतना अच्छा खेला, आपको सेम हालत अकेले वो लेके गया है बेचारा वो खिलाड़ी, लेकिन बदले में क्या मिला उससे आज तक बताइए। अश्विन जी खेले ही जा रहे, खेले ही जा रहे, चहल जी बैठे ही जा रहे, बैठे ही जा रहे। फिर चहल को क्या आप ऑस्ट्रेलिया घुमाने लेके गए थे क्या? अरे उनको जिम्बाब्वे वाले आपको मैच उतारना चाहिए था, जिम्बाब्वे के मैच में उसे उतारना चाहिए था, प्रैक्टिस हो जाता फिर आप सेमीफाइनल लेके आते। अश्विन क्या बॉलर है, क्या कर रहा है वहाँ पे, कर क्या रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों के साथ? चले माना थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते, उससे क्या हो गया आप लोगों का, इसमें तो एक विकेट निकाल नहीं पाया है। चलो आप बोलोगे चलो आप ये भी बोलो कि इसमें तो बॉलर ही नहीं विकेट निकाल सके, लेकिन अश्विन की तो बॉल ही नहीं घूम रही थी, जो एक प्रेशर आना चाहिए एक स्पिनर के बॉल में, वो चीज़ तो आ ही नहीं रही थी, वो चीज़ तो आ ही नहीं उस पर। फास्ट बॉलर चलो पीटे पीटे अश्विन जी तो कुछ प्रेशर डाल पाए, कुछ भी प्रेशर नहीं डाल पाए। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये जो हारी है टीम सेमीफाइनल, जिस तरह से हारी है हारने का दुख नहीं है, हारने का दुख नहीं है, लेकिन जिस 10 10 विकेट से रन दिया गया हमें, उसकी पूरा जिम्मेवारी रोहित शर्मा की है। केएल राहुल खुद का स्लो खेलना, इतना ऊपर से रविंद्र अश्विन जी को खिलाना, इसका जस्टिफिकेशन उन्हें देना चाहिए, पूरे इंडिया को देना चाहिए क्यों खिलाया, बाकायदा माइक लेके बोलना चाहिए ये सब बात, क्यों डर के खेल रहे हैं, क्यों केएलआर का बोझ उठाए जा रहे हैं, क्यों नहीं आप कोहली से ओपनिंग कराते भैया? कोहली ना आप खुद ओपनिंग मोड रहे हो, देखो ना कितना आप कितना अच्छा खेलोगे। केएल राहुल की वजह से पूरा टीम में प्रेशर आ रहा है, ये तो आप सोचो, वो तो कोहली जैसा प्लेयर आपके आपके टीम में जो प्रेशर लेने के जो वो प्रेशर लेने का आदी है, वो चाहते हो उसे प्रेशर है, बोल कर आप इतना रन कर पाए। और हार्दिक पांड्या कहाँ से कहाँ रन पहुँचा दिया आप लोगों का, कहाँ से कहाँ रन पहुँचा दिया? शुरुआत के 12 ओवर आप लोग शायद 70 रन थे, उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ हुआ, 8 ओवर में 100 रन कर लिया है, 8 ओवर में 100 रन किया है वो प्लेयर अकेले। भैया रोहित जी यही कहना है कि डिसीजन लो, इस तरह से कम से कम मत हारो, आप हारे उसका दुख नहीं, लेकिन इस तरह से मत हारो कि हम आप तो रोए हो डगआउट में, देखो हम आपसे ज़्यादा रोए अंदर ही अंदर कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। मुझे शौक हो गया कि वही वही इंडिया टीम है जो पाकिस्तान से हारा हुआ मैच हलक से लेके आ गया, उनके हलक से लेके आ गया था अपने पल्ले में। और ये मैं जो कि चल हार जाते आप कोई बात नहीं, लास्ट बॉल तक आप लोग लड़ते हारते कोई बात नहीं चलो, लेकिन ये किया ना तो कोई प्लानिंग ना तो कुछ। अश्विन जी राहुल के राहुल जी में जब जब इंडियन टीम खेलने होती थी तो मुझे लगा कि पिच बहुत स्लो होगा, लेकिन जब इंग्लैंड की टीम खेलने होती लगा ये 200 का पीछे आप वो 220 से मरना चल रहा फिर तो। लेकिन के राहुल आपको के राहुल पसंद है ना, के राहुल खुद को आप स्लो करना है, 10 15 ओवर तो आप लोग को सिर्फ छेड के हिसाब से करना है, लास्ट 5 ओवर में आप लोग 30 30 रन का एवरेज शायद रन करना पड़ेगा ना, आप लोग इसी नीयत से खेलते हो शायद। भगवान ही मालिक, अगर ऐसे खेलोगे तो अगला T20 का आप लोग कोई T20 जीत नहीं पाओगे। और ये वर्ल्ड कप अभी अगले 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 साल जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है 2023 में, देखिए उसमें आप लोग क्या करते हो, और आने वाले टूर्स में देखो क्या करते हो। 2 वर्ल्ड कप में ऐसा हो गया, 2 वर्ल्ड पिछले वर्ल्ड कप तो याद ही मत दिला 2021 की, और ये 2 वर्ल्ड कप उससे बदतर आपने कर दिया। सेमीफाइनल आप जरूर गए लेकिन जिस हिसाब से हारे हो, जिस हिसाब से आपने हथियार फैले हैं ना फेंके हैं ना, आपको फैन आपका कभी माफ़ नहीं करेगा, याद रखना। बाय।